मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में जो क्वेश्चंस थे, मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से चूज किया है. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक बिल्कुल जनरल था कि अगर आप किसी क्वाइन को आप जो है टॉस करते हैं तो आप बहुत आराम से उसकी सैंपल स्पेस बना सकते हैं. अगर आप एक क्वाइन को जो है टॉस करते हैं तो उस पर क्या आएगा बच्चों, हेड या टेल, ये इसके सैंपल स्पेस होंगे. अभी मैं प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूँ. अगर आप दो क्वाइन को उछालते हैं तो क्या आएगा बच्चों, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड. तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे उसमें. वो आसान क्वेश्चन थे, वो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ के उसका सैंपल स्पेस लिख सकते थे, इसीलिए मैंने उन क्वेश्चंस को नहीं लिया है. मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से चूज किया है. टू बॉयज एंड टू गर्ल्स आर इन रूम एक्स एंड वन बॉय एंड थ्री गर्ल इन रूम वाई. दो लड़के और दो लड़कियां जो है रूम एक्स में रहते हैं और एक लड़का और तीन लड़की जो है वो वाई रूम में रहते हैं. रूम का नाम है एक्स एंड वाई. स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन. अब इसमें क्या होगा बच्चों, अगर आपने इफ द रूम एक्स इज सेलेक्टेड देन द पॉसिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स इन रूम एक्स, तो क्या होगा बच्चों आपका. अगर उसने, पहले मैं इसके सैंपल स्पेस की बात करता हूं, आंसर 6, तो ये सब आप लिख दीजिएगा. इफ द रूम एक्स इज सेलेक्टेड इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स इन द रूम एक्स, तो सैंपल स्पेस क्या होगा. अगर आपने एक्स रूम को सेलेक्ट किया है तो यहां पे कितने लड़के हैं, दो लड़के हैं और दो लड़कियां हैं. तो दो लड़के हैं तो एक्स बी वन, एक्स बी टू, एक्स जी वन, एक्स जी टू. और अगर आपने वाई रूम को सेलेक्ट किया है तो वाई बी थ्री. वाई रूम को सेलेक्ट किया है तो ये लड़कियां जो होंगी भाई, दो लड़कियां तो आ चुकी हैं, तो जी थ्री, जी फोर एंड जी फाइव. वाई जी फोर और वाई जी फाइव, ये इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा. अगर उसने एक्स रूम को सेलेक्ट किया है तो एक्स बी वन, एक्स बी टू, दो लड़के हैं उसमें और दो लड़कियां हैं, एक्स जी वन, एक्स जी टू. अगर आपने वाई रूम को सेलेक्ट किया है तो, क्योंकि लड़के तो कुल मिला के 3 हैं और लड़कियां कुल मिला के 5 हैं, तो दो लड़के तो सेलेक्ट हो गए हैं और दो लड़कियां सेलेक्ट हो गई. अब बचे कितने, एक लड़का बचा और जो है 3 लड़कियां बची, तो एक लड़का यहां सेट हो गया और वाई जी थ्री, वाई जी फोर, वाई जी फाइव, 3 लड़कियां यहां सेट हो गई, तो आपका ये सैंपल स्पेस हो जाएगा. अब वन डाई है बच्चों, वन डाई ऑफ रेड कलर, वन व्हाइट एंड वन ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग. एक बैग है, उसमें एक डाई का मतलब होता है डाइस, जो लूडो का पासा होता है उसकी बात मैं कर रहा हूं. तो एक रेड कलर का है, एक व्हाइट कलर का है और एक ब्लू कलर का है. आर प्लेस्ड इन अ बैग, एक बैग में रखे हुए. वन डाई इज सेलेक्टेड, अब तुरंत समझ में आ जाएगा कि अब अगर आप एक डाई को सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास डाई कितने हैं, एक तो लाल कलर का है, एक आपका व्हाइट कलर का है और एक आपका ब्लू कलर का है. तो यानी कि आर डब्ल्यू बी रिप्रेजेंट द कलर्स ऑफ डाई, रेड कलर, व्हाइट कलर एंड ब्लू कलर रेस्पेक्टिवली. वन डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड, सो फेंका हमने, इट्स कलर एंड नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस. तो मैं आंसर 7 का सैंपल स्पेस भी लिख सकता हूं आराम से. अगर मैंने रेड कलर का डाइस चूज किया तो, अब डाइस चूज किया मैंने रेड कलर का, तो यहां क्या आ जाएगा, R1, R2, R3, R4, R5, R6.
ऐसे ही अगर मैंने व्हाइट कलर का चूज किया तो क्या आएगा, W1, W2, W3, W4, W5 और W6। अगर मैंने ब्लू कलर का चूज किया तो B1, B2, B3, B4, B5, B6। ये बच्चों आपका आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। ये सब थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि R कलर क्या है, लेट कैपिटल R, कैपिटल W एंड कैपिटल B रिप्रेजेंट द कलर्स ऑफ डाई, ये सब आप लिख दीजिएगा। मैंने आपको सैंपल स्पेस समझा दिया है कि सैंपल स्पेस ये बनेगा। अब अगर कोई पूछता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे, तो वो आपको पता ही है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे, इसमें 666 यानी 18 हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे आपके, जो है देखिए 4 तो ये केस हो गए और 4 ये हो गए तो 8 हो जाएगा आपका। इस टाइप से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विथ टू चिल्ड्रन, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। इसमें दो क्वेश्चन थे, एक में था कि अगर आप के पास दो चिल्ड्रन हैं, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद टू चिल्ड्रन, अगर दो बच्चे हैं तो मैं खैर अभी इसका आंसर नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ही आपको समझा दे रहा हूं कि अगर दो बच्चे हैं तो पहला बच्चा जो है बॉय हो सकता है और दूसरा बच्चा गर्ल हो सकता है, फिर पहला बच्चा बॉय हो सकता है और दूसरा बच्चा भी बॉय हो सकता है, फिर पहला बच्चा गर्ल हो सकता है, फिर दूसरा बच्चा बॉय हो सकता है, या फिर दोनों गर्ल हो सकती है। ये तो टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा अगर मैं उन दो बच्चों के बारे में, किसी फैमिली के दो बच्चे के बारे में डिस्कस करता हूँ आपसे, तो उसका आंसर ये होगा। लेकिन उसने आपसे ये चीज नहीं पूछी है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स, लिखा हुआ है यहाँ पर। उसने आपसे पूछा नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, तो किसी फैमिली में क्या हो सकता है अगर दो बच्चे हैं, या तो कोई भी लड़की नहीं होगी, या एक लड़की होगी, या दोनों लड़कियां होंगी। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सैंपल स्पेस होगा 0, 1, 2। 0 का मतलब है नो गर्ल, 1 का मतलब है 1 गर्ल और 2 का मतलब है 2 गर्ल। नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं। ऐसे ही अगर क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ बॉयज इन द फैमिली, तो वहां पर भी यही होता है, या तो कोई भी लड़का नहीं होता, या एक लड़का होता, या दोनों के दोनों लड़के होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर कोई फैमिली है उसमें दो बच्चे हैं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में बॉय बॉय यानी BB, BG, GG, GB, तो उसका सैंपल स्पेस ये हो जाएगा। लेकिन उसने हमसे पूछा नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में, तो नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में या तो कोई भी लड़की नहीं होगी, नो गर्ल, 1 गर्ल एंड 2 गर्ल। क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स, एक बॉक्स है उसमें एक लाल गेंद है और 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स है, यानी वाइट बॉल्स तीनों के तीनों एक जैसी है, सेम कलर है, सेम उसका साइज है, बिल्कुल एक जैसी है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विद आउट रिप्लेसमेंट, यानी कि बॉल को वापस नहीं रखा गया है। विद आउट रिप्लेसमेंट का मतलब है मैंने एक बैग में हाथ डाला, एक बॉल निकाली, उसके बाद मैंने उसको अपनी जेब में रख लिया, वापस नहीं रखा उस बैग में। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो मैं आंसर 9 की बात कर रहा हूं, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास सिंस देयर आर 1 रेड बॉल एंड 3 आइडेंटिकल, इसको मैं R सिंबल ले लेता हूं, और एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स रिप्रेजेंट W, क्योंकि एक जैसी हैं, तो वहां पर
आप W सिंबल यूज कर लीजिए वाइट बॉल के लिए, और एक जैसी है तो फिर W ही रखिए, आइडेंटिकल है तो W ही होगा, सब एक ही कंपनी की है, एक ही क्वालिटी की है, एक ही कलर की है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका? अगर मैंने एक बॉल, मान लीजिए पहली बॉल मैंने रेड खींची, तो नेक्स्ट बॉल क्या आ सकती है? अब रेड तो आएगी नहीं नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? विद आउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो अगर आर बॉल मैंने निकाली तो अब आर तो आएगी नहीं, क्या आएगी? डब्ल्यू आएगी। ठीक है, हो गया आपका, दो बॉले आपको खींचनी थी। अब अगर मान लीजिए पहली बॉल ही आपकी वाइट आ जाए, तो अगर मान लो पहली बार वाइट आ गई तो अगली बार भी वाइट आ सकती है, पहली बार वाइट आ गई तो अगली बार रेड भी आ सकती है। तो यहां पर ये तीन केस बनेंगे, लेकिन यहां पर ये तीन केस इसलिए बनेंगे क्योंकि तीनों के तीनों वाइट बॉल आइडेंटिकल है। अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि अगर मान लो इफ थ्री बॉल, थ्री वाइट बॉल्स आर नॉट आइडेंटिकल, अगर ये, तो मैं इसको W1, W2 और W3 से रिप्रेजेंट करता, तीनों वाइट बॉलों को मैं W1, W2, W3 से रिप्रेजेंट करता, तो उस समय क्या होता है ये? उस समय इसका सैंपल स्पेस क्या होता? मान लीजिए मैंने पहली बॉल आपकी R निकाल ली, रेड निकाल ली, तो अगली बॉल W1 भी आ सकती है, अगली बॉल W2 भी आ सकती है, अगली बॉल W3 भी आ सकती है। अगर मान लीजिए मैंने पहली बॉल W1 निकाली तो अगली बॉल R भी आ सकती है, अगली बॉल आपकी W2 भी आ सकती है, अगली बॉल आपकी W3 भी आ सकती है। अगर आपने W2 बॉल पहले निकाली तो R भी आ सकती है, W2 निकाली तो W1 भी आ सकती है, और W2 निकाली तो W3 भी आ सकती है। अगर आपने W3 बॉल को निकाला तो R भी आ सकती है, W3 जो है W1 भी आ सकती है, और W3, W2 भी आ सकती है। ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर W1 और W2 और W2 W1 में क्या अंतर है? अरे भाई देखो, अगर आइडेंटिकल नहीं है, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो, और मुझको पता है कि मुझको वापस बॉल जो है उसमें रखनी नहीं है, मुझे विदाउट रिप्लेसमेंट का काम करना है, तो सैंपल स्पेस आपका ये बनेगा। क्योंकि आपका रेड बॉल तो एक ही है, लेकिन बाकी बॉल में दिक्कत है कि वो आइडेंटिकल नहीं है, W1, W2, W3 इसका मतलब है कि अलग अलग है, तो इस टाइप का सैंपल स्पेस बनेगा अगर आइडेंटिकल नहीं है, और अगर आइडेंटिकल है तो ये केस आपका सैंपल स्पेस का होगा, सैंपल स्पेस में ये केस बनेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। खैर, आपसे केवल पूछा गया है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है क्वेश्चन में, और पूछा गया है कि वो आइडेंटिकल है वाइट बॉल्स, तो आइडेंटिकल है तो मैंने उन जो आपके जो आपकी बॉल्स हैं, तीनों बॉल्स हैं, उसको उसको सेम सिंबल लिया है मैंने, मैंने उसका सिंबल एक ही लिया है W1, लेकिन यहाँ पर आपकी आइडेंटिकल नहीं है तो मैंने इसीलिए वाइट बॉल को W1, W2, W3 का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड अकर्स। कह रहा है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें अगर मैं एक क्वाइन उछाल लूं, अब क्वाइन उछाल लें तो क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड अकर्स, अगर हेड आता है, इफ अ टेल अकर्स on the first toss, then a die is rolled once. कहने का ये मतलब है, अगर टेल आता है तो वो डाइस उछालना है, T1, T2, T3, T4, T5, T6. और अगर वो हेड उछाल, अगर उसका कहने का ये मतलब है बच्चों, अगर उसने टॉस, एक कॉइन है उसने टॉस किया, तो आपको बता रहे कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो कह रहा है कि अगर टेल आएगा तो वो डाइस को उछालना है, और अगर उसका हेड आता है, then throwing it second time, if head occurs,
अगर आपका हेड आता है तो वो डाई ना उछाल करके एक सिक्का ही उछाल रहा है, तो क्या होगा? या तो हेड आएगा, ठीक है, या टेल आएगा। तो ये आपका एक सैंपल स्पेस बन जाएगा, हेड 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 टेल, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये आपका पूरा एक सैंपल स्पेस बन जाएगा। एक तो एक साथ लिख लीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते समय आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा समझ में आना चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है और सारे कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, ए क्वाइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज हेड। ध्यान से मेरे क्वेश्चन को समझिएगा। आंसर 12, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है केवल। ए क्वाइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज हेड, ठीक है, ए डाई इज थ्रोन। अगर हेड आता है तो हमें क्या करना है, डाई एक थ्रो करना है। इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, अब की बार कंडीशन दे दी कि अगर हेड आया तो डाई उछालेंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर इवन नंबर आया, अगर आपका इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर द डाई इज थ्रोन अगेन, अगर आपका इवन नंबर आया तो डाई को एक बार और उछाला जाएगा। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। सारी बातें इसने हेड आने के लिए बोली है, यानी कि अगर टेल आया उसका तो चुप हो जाएंगे हम लोग, टेल आया बस काम खत्म। अब अगर हेड आया तो सबसे पहले कहां पे प्रॉब्लम नहीं है, अगर हेड आया तो हमें डाई उछालना है तो H1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, H3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, H5 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरा H2 आया, मतलब हेड आया और फिर मैंने डाई उछाला और 2 आ गया, तो अब वो कह रहा है कि हमें फिर से एक डाई को उछालना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं फिर से डाई को उछालूंगा तो H21, H22, H23, H24, H25, H26 आ सकता है। फिर H4 अगर आया, H41, H42, H43, H44, H45, H46, और अगर H6 आया तो H61, H62, H63, H64, H65, H66। तो आपको समझ में आया कि अगर टेल आया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर हेड आया तो आपको डाई को छानना है, और उसमें यह भी देखना है कि अगर इवन नंबर आया तो वहां पर फिर से डाई को छानना है। तो मैंने जहां जहां प्रॉब्लम नहीं थी वो मैंने पहले लिखी है, H1, H3, H5 और T, ये मैंने पहले लिख लिया। अब जहां जहां प्रॉब्लम थी H2, फिर डाई को छानेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ऐसे ही 4 आया तो 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6, ऐसे ही 6 आया तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये आपके सैंपल स्पेस बन गए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं, यानी आंसर 13, द नंबर्स 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। मैंने ये पेपर की स्लिप बना दी है, इसमें नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4। द स्लिप्स आर पुट इन बॉक्स, मैंने इन स्लिप्स को उठा करके एक बॉक्स में डाल दिया, ये मैंने इस बॉक्स में इनको डाल दिया, मिक्स कर दिया थोरोली इसको। ए पर्सन ड्रॉ 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर द अदर विद आउट रिप्लेसमेंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी विद आउट रिप्लेसमेंट लिखा था। विद आउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि हमने एक पर्ची को उठाया और फिर उस पर्ची को उस बॉक्स में या उस बैग में नहीं रखा, इसको हम लोग बोलते हैं विद आउट रिप्लेसमेंट। Describe the sample space for the experiment. बहुत आसान सवाल है।
लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर विद आउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो अगर आपने वन नंबर की पर्ची उठाई तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो टू आ सकता है, या थ्री आ सकता है, या फोर आ सकता है। अगर मान लीजिए आपने टू नंबर की पर्ची उठाई तो अब हमारे पास क्या आ सकता है, नेक्स्ट वाले जो जो हमारा होगा एडिट होगा, तो टू वन आ सकता है, टू थ्री आ सकता है, और टू फोर आ सकता है। अगर मैंने थ्री नंबर की पर्ची उठाई तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, थ्री वन, थ्री टू और थ्री फोर। और अगर मैंने चार नंबर की पर्ची उठाई तो फोर वन, फोर टू और फोर थ्री। ये हो गया विद आउट रिप्लेसमेंट का केस, उसमें ये आपके सैंपल स्पेस बनेंगे। अब अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट में ये तो ये जो मैंने आंसर लिखा है ये आपका विदाउट रिप्लेसमेंट का आंसर लिखा है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता विद रिप्लेसमेंट का, तो जब आपने एक नंबर की पर्ची उठाई और फिर उसमें डाल दी, तो अब आपके पास चार ऑप्शन बढ़ जाएंगे। वो कौन कौन से ऑप्शन बढ़ जाएंगे, एक तो आपका बढ़ जाएगा वन कॉमा वन का ऑप्शन बढ़ जाएगा, टू कॉमा टू का ऑप्शन बढ़ जाएगा, टू 3.3 का ऑप्शन बढ़ जाएगा, और 4.4 का ऑप्शन और इंक्रीज हो जाएगा इसमें। यानी कि अगर विद आउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो केवल इतना सैंपल स्पेस होगा, और अगर विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो ये पूरा पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से काम करना है आपको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस। एक एक्सपेरिमेंट है कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस। इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, इफ नंबर ऑन द डाई, वो कह रहा है कि अगर आपने एक डाई को फेंका, अगर उस पर इवन नंबर आया तो वो सिक्का उछालना है एक बार, और अगर उस डाई पर ऑड नंबर आया तो वो सिक्का उछालना है दो बार। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। बहुत ही अच्छा सवाल है, वो कह रहा है आपसे बच्चों, ये आंसर 14, वो कह रहा है कि आपने एक डाई को फेंका, अगर वो नंबर, उस पे नंबर क्या आ सकते हैं, ऑड आ सकते हैं और इवन आ सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपने एक डाई को फेंका और अगर उस पर ऑड नंबर आया, अगर उस पर ऑड नंबर आया तो क्वाइन को आपको दो बार उछालना है। Coin is tossed twice. और अगर उस डाई पर आपका इवन नंबर आया तो आपको सिक्के को एक बार उछालना है। तो देखिए ध्यान से, अब मेरा टू आया, मान लीजिए मेरा आया इवन, तो इवन मीन्स क्वाइन को उछालना है मुझे और एक बार उछालना है, तो टू हेड आ सकता है और टू टेल आ सकता है, काम खत्म। फोर हेड, फोर टेल, फिर सिक्स हेड और सिक्स टेल। क्वेश्चन है अगर आपका इवन नंबर आया तो आपको क्वाइन को एक बार उछालना है, तो उछाल दिया मैंने। अगर आपका ऑड नंबर आया तो क्वाइन को दो बार उछालना है, तो क्वाइन को दो बार उछाल दूंगा। वन एच एच आ सकता है, वन एच टी आ सकता है, वन टी एच आ सकता है, और वन टी टी आ सकता है। ऐसे ही यहां पर थ्री एच एच आ सकता है, थ्री एच टी आ सकता है, थ्री टी एच आ सकता है, और थ्री टी टी आ सकता है। ऐसे ही फाइव हेड हेड आ सकता है, क्योंकि दो बार उछालना है ना, फाइव हेड टेल आ सकता है, फाइव
टेल हेड आ सकता है और 5 टेल टेल आ सकता है। अब इन सबको एक साथ लिख लीजिए, इन सबको एक साथ आप लिख लीजिए, यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, अगर आपने डाई को फेंका और इवन नंबर आया तो हमें कॉइन को एक बार उछालना है। एक बार उछालने से क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अगर ऑड नंबर आया तो हमें उसी कॉइन को दो बार उछालना है। तो ये केस बनेंगे, आप देख लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ए क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन को उछाला गया है, इफ इट शोज अ टेल, अगर टेल आता है तो वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, इफ इट शोज अ हेड वी थ्रो अ डाई। देखिए ध्यान से, इसका सिंपल स्पेस कैसे बनेगा बच्चों, देखिए पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक सिक्का उछाला, अगर उस पर टेल आता है तो वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। रेड बॉल है, आइडेंटिकल तो बोला नहीं है, टी रेड बॉल, तो टी आर वन हो सकता है, टी आर टू हो सकता है, टी बी वन हो सकता है, टी बी टू हो सकता है, टी बी थ्री हो सकता है। लेकिन अगर हेड आया तो हमें डाई को उछालना है, एच वन हो सकता है, एच टू, एच थ्री, एच फोर, एच फाइव, एच सिक्स, तो आपका ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ए डाई इज थ्रोन रिपीटली अंटिल अ सिक्स कम्स अप, एक डाई को फेंकना है, अगर सिक्स आ जाता है तो हमें तब तक फेंकना है जब तक वो सिक्स ना आ जाए। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो देखिए हो सकता हो आपने अगर पहली बार ही डाई को फेंका और सिक्स आ गया तो काम खत्म हो जाएगा। अब अगर पहली बार में सिक्स नहीं आया तो क्या क्या आ सकता है, वन आया होगा, टू आया होगा, थ्री आया होगा, फोर आया होगा, फाइव आया होगा, देखिए आपने डाई को फेंका पहली बार में सिक्स आ गया, काम खत्म हो गया। अब अगर पहली बार में सिक्स नहीं आया तो क्या क्या आया होगा, वन आया होगा, टू आया होगा, थ्री आया होगा, फोर आया होगा, फाइव आया होगा, और फिर उसके बाद सिक्स आया होगा। अब अगर मान लीजिए सेकेंड अटेम्प्ट में भी सिक्स नहीं आया, अब आपका सेकेंड अटेम्प्ट में भी सिक्स नहीं आया तो क्या क्या आया होगा, वन वन, फिर क्या आया होगा, वन टू, फिर वन थ्री, फिर वन फोर, फिर वन फाइव। पहली बार में सिक्स आ गया, काम खत्म, दूसरी बार में सिक्स आ गया, चलिए अब तीसरी बार में अगर सिक्स आ रहा है तो आपने अगर पहली बार वन आया तो यहां पर वन के साथ क्या होगा, टू वन आ सकता है, दूसरी बार में टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, उसके बाद सिक्स आया होगा। तो इस टाइप से तो बहुत सारे केस बन जाएंगे, इसमें देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज विद द गिवन एक्सपेरिमेंट, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बनेंगी, क्योंकि यहां पर तो पहली बार में सिक्स आ गया तो ठीक है, दूसरी बार में सिक्स आ गया तो भी ठीक है, अब तीसरी बार में नहीं आया, फिर तीसरी बार में नहीं आया तो फिर इसका मतलब है कि अब ये फिर से रिपीट होंगे, तो बहुत सारे केस बनेंगे, देयर आर इनफाइनाइट केसेस विद दिस एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।